गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंटेंट क्या होता है और किस तरह हम लोग एक ऐसी एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं जिसमें मल्टीपल स्क्रीन्स हो, क्योंकि रियलिस्टिक मोस्ट ऑफ द एंड्रॉयड ऐप्स ऐसी होती हैं जिसमें मल्टीपल स्क्रीन्स होती हैं। तो मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो फटाक से यहाँ पर खोल लेता हूँ। और हाँ, एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है, तो आप लोग को उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और वो इंस्टॉल होने में डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है और अगर आप लोग खोल रहे हैं तब भी थोड़ा सा टाइम लेगा। तो मैं वापस आता हूँ मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो खुलने के बाद। जो भी प्रोजेक्ट मेरे एंड्रॉयड स्टूडियो में खुला रहेगा मैं उसको क्लोज कर दूंगा और क्लोज करने के बाद मैं आप लोगों के पास वापस आऊंगा। सो गाइस, मैं यहां पर फाइल में जाकर इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर दूंगा और आप लोग यहां पर फाइल में जाकर क्लोज प्रोजेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्लोज हो जाएगा। जैसे यहां पर मेरा प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा मैं करूंगा क्या कि एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा और मैं कहूँगा कि ग्रेडल बिल्ड रन हो रहा है, उसके बाद भी मेरा प्रोजेक्ट क्लोज कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर अब करेंगे क्या, थोड़ा सा थ्योरी समझेंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को वाइट बोर्ड में थोड़ी सी थ्योरी बताऊँगा और आप लोग यकीन माने मेरा, बिल्कुल भी हम लोग यहाँ पर ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जितनी चाहिए उतनी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी वो ये है, जो ऐप्स होती हैं वो मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स को प्रोवाइड करती हैं। सो ऐप्स प्रोवाइड मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स। तो इस बात का मतलब समझते हैं कि क्या है। अगर आप लोगों का ये फ़ोन है और आप लोगों की ऐप इसमें इंस्टॉल्ड है तो हो सकता है मान लो इसमें स्क्रीन नंबर वन हो, मैं भी यहाँ पर एक्टिविटी वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मैं स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा ईजी रखने के लिए। मान लो आपकी ये तीन स्क्रीन्स हैं और यहाँ पर आपका इनबॉक्स है, ये आपकी स्क्रीन है पर्टिकुलर मेल की, यानी कि कोई भी आप ईमेल ओपन करते हो तो यहाँ पर आता है, और मान लो ये स्क्रीन है आपकी सेटिंग्स की। अब मान लो कि आप ये थर्ड वाली स्क्रीन में आना चाहते हो तो हो सकता है आपको वन एक्टिविटी से सेटिंग्स क्लिक करना हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाओ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि थर्ड एक्टिविटी में आने का सिर्फ यही तरीका है, आप लोग यहाँ पर एक नोटिफिकेशन के माध्यम से भी आ सकते हो या फिर किसी ईमेल पे भी आप नोटिफिकेशन के माध्यम से आ सकते हो। आपकी जो जीमेल ऐप है वो नोटिफिकेशन प्रोवाइड करती है कि भाई आपका माइक्रोसॉफ्ट से मेल आया है, और अगर ऐप क्लिक करते हो तो सीधे आप सेकंड वाली एक्टिविटी पे पहुंचते हो। तो एक ऐप जो होती है वो मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स को प्रोवाइड करती है। तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी जाने के कई तरीके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही पाथ फॉलो करें। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो ऐप्स होती हैं वो अलग अलग डिवाइसेस में अडैप्ट करती हैं, तो ये पहली बात हो गई। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो आप लोग को समझना ज़रूरी है वो ये है कि ऐप्स अडैप्ट टू डिफरेंट डिवाइसेस। अब यहाँ पर कोई भी एक एंड्रॉयड ऐप है तो आपका जो फ़ोन है, अगर मान लो वो एंड्रॉयड ऐप कैमरा यूज़ करती है और आपके फ़ोन में कैमरा नहीं है, तो आप रन टाइम में क्वेरी कर सकते हो कि आपके फ़ोन में कैमरा है या नहीं है, या फिर आप प्ले स्टोर को बता सकते हो कि ये ऐप सिर्फ उन लोगों को इंस्टॉल करवाना जिनके पास कैमरा है। तो क्या होता है कि आप लोग अपनी ऐप को सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस से कंपैटिबल रख सकते हो जिसमें कैमरा है या फिर कोई भी चीज़ अगर आप और यूज़ कर रहे हो। सो बेसिकली ऐप्स जो होती हैं अलग अलग डिवाइसेस में अडैप्ट करती हैं अपने आप को, स्क्रीन साइजेस हो गया या फिर कोई भी हार्डवेयर की कमी होना या फिर हार्डवेयर का होना ना होना, ये सब चीज़ें जो है आपकी ऐप जो है अलग अलग डिवाइसेस में इस तरह से अडैप्ट कर सकती है। तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं एक बार और रिविजिट करना चाहता था। हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर, अब अपनी पहली मल्टी स्क्रीन ऐप बनाएंगे। अभी तक हमने टिक टैक टो का गेम बनाया था और टिक टैक टो का जो गेम हम लोगों ने बनाया था वो एक सिंगल स्क्रीन ऐप थी। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि मल्टीपल एक्टिविटीज़ बनाएंगे। तो हमने पहली एक्टिविटी का नाम देखा, मेन एक्टिविटी होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें मेन एक्टिविटी की, मेन एक्टिविटी क्या होता है, तो बेसिकली मेन एक्टिविटी हमारी एंट्री पॉइंट थी ऐप का। तो मेन एक्टिविटी क्या है, वो पहला पेज जो कि आप ऐप के आइकन को जब क्लिक करेंगे तो खुलेगा, तो जो खुलता है वो होती है मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी आपका होम पेज होता है ऐप का। अगर आपने अपनी ऐप को खोला तो मेन एक्टिविटी आपकी खुलेगी, और मेन एक्टिविटी खुलने के बाद आप एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 3, एक्टिविटी नंबर 4, अलग अलग एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं। एक बार और बताना चाहूँगा, एक्टिविटी का मतलब स्क्रीन, जो स्क्रीन आपको दिखाई देती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग अलग एक्टिविटी बनानी है, आप अपनी एक ही एक्टिविटी को इंटरैक्टिव रख सकते हो। लेकिन एक जनरल आर्किटेक्चर जो होता है वो ये होता है, आप मल्टीपल स्क्रीन्स बनाते हो ताकि आप लोग उनका अलग अलग जावा कोड लिखो, उनको अलग तरह से डिज़ाइनिंग कर सको और अपनी ऐप को जो है बेहतर बना सको। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टू स्क्रीन ऐप बनाएंगे अभी, और आप उसी चीज़ को एक्सटेंड करके 3, 4, 5, 6 या फिर इवन 10 पेजेस की जो है ऐप बना सकते हैं, 10 स्क्रीन्स की या फिर 10 एक्टिविटी की ऐप बना सकते हैं।
सो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप सेकेंड थर्ड और फोर्थ एक्टिविटी में वन से ही आएँ। हो सकता है कि आप सेकेंड एक्टिविटी से वन में आ पाएँ और फिर उसके बाद आप सेकेंड एक्टिविटी से थर्ड एक्टिविटी में आ पाएँ, फर्स्ट एक्टिविटी से आप थर्ड में डायरेक्ट जा पाएँ, या फिर किसी नोटिफिकेशन से आप डायरेक्टली किसी एक एक्टिविटी में आ पाएँ। तो ये जो है मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स होते हैं। हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा था कि ऐप्स मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स प्रोवाइड करती हैं, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हमने जैसे कि बात करी कि हम दो स्क्रीन की ऐप बनाएंगे, तो हम एक काम करेंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए दो एक्टिविटीज़ बनाएंगे, और दो एक्टिविटीज़ को बनाने के बाद हम ये देखेंगे किस तरह यहाँ पर जो बैक बटन आपने देखा होगा एंड्रॉयड में, अगर आप लोग अलग अलग तरह की ऐप्स यूज़ करते हैं, इवन जो बहुत ज़्यादा फेमस ऐप्स होती हैं और एक अच्छा यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं, उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप मेन एक्टिविटी से किसी एक एक्टिविटी में जाते हैं और उस एक्टिविटी से फिर डायरेक्टली आपको वापस आने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे एक बैक बटन आपको मिल जाता है और आप उस पर टैप करते हैं तो आप वापस पुरानी एक्टिविटी में आ जाते हैं। एग्जाम्पल इसका देना चाहूँगा आप लोगों को कि कोई भी ईमेल ऐप है, अगर तो आपने कोई ईमेल खोला तो ऑब्वियसली आपने वो ईमेल पढ़ लिया तो आप बैक आना चाहेंगे इनबॉक्स में, तो आप यहाँ बैक दबा के इनबॉक्स में आ सकते हैं वापस अपनी मेन एक्टिविटी में। तो ये भी हम देखेंगे कि ये वाला जो बटन है किस तरह डाला जाता है मैनिफेस्ट फाइल को चेंज करके। तो अब यहाँ पर थ्योरी बहुत हो गई, इनफैक्ट थ्योरी बहुत कम मैंने बताई, बट दिस इज़ इनफ, इतनी थ्योरी काफ़ी है। हम लोग चलेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में और एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट बनाकर ये सब चीज़ें जो हमने ये बात करी है देखेंगे कि इसको हम रियल कोड में किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में और नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। सो गाइस, ये रहा मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो और मैं यहाँ पर एक स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पर क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा। और यहाँ पर मैं करूँगा क्या, एम्प्टी एक्टिविटी को चूज़ कर लूँगा, और एम्प्टी एक्टिविटी को चूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर करूँगा क्या, नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। और थोड़ा सा टाइम लेती है, अगर आप लोगों का एक बेसिक कंप्यूटर है तो आप थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। हमने एम्प्टी एक्टिविटी को चूज़ करके यहाँ पर हम माई एप्लीकेशन की जगह कर देंगे मल्टी स्क्रीन ऐप, तो मैं इसका नाम मल्टी स्क्रीन रख देता हूँ, इनफैक्ट ऐप हटा देता हूँ, मल्टी स्क्रीन इसका नाम मैंने रख दिया है, तो मैं मल्टी स्पेस स्क्रीन इसका नाम रख देता हूँ। और यहाँ पर बाकी चीज़ों के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी बात कर रखी है, तो डायरेक्टली अब मैं यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करूँगा और मेरी जो ऐप है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेडल बिल्ड वगैरह काफ़ी प्रोसेसेस होती हैं, वो रन होंगी और उसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, तो आप लोग को उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। शायद आप लोगों का मुझसे ज़्यादा तेज़ हो जाए क्योंकि आप लोग रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन को, तो उसमें भी जो मेरी बैंडविड्थ है, मेरी कंप्यूटर की रिसोर्सेज हैं, वो इस्तेमाल हो रही हैं। आप लोग अगर नहीं कर रहे हैं ऐसा तो आप लोग का जल्दी होगा मेरे से, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा टाइम दूंगा और जैसे ये कंप्लीट होगा तो मैं वापस आऊँगा और हम कुछ फाइल्स को एक बार और रिविज़िट करेंगे कि क्या चीज़ में क्या था, अब तक हमने क्या सीखा था। अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस करके बुकमार्क नहीं की है और यहाँ पर आपने इसको सेव नहीं किया प्लेलिस्ट को, तो काइंडली इसको जल्दी से जल्दी सेव कर लें, क्योंकि यहाँ पर सारे वीडियोज़ मैं ऐड करूँगा और ये कोर्स जो है इसी प्लेलिस्ट में ऐड होने वाले हैं वीडियोज़, तो आप लोग एक्सेस कर पाएंगे आसानी से। तो मैं यहाँ पर वेट करके जब कंप्लीट हो जाएगा तो वापस आता हूँ। तो जो प्रोसेस है वो सारी की सारी रन हो चुकी है और इस बार थोड़ा तेज़ी काम दिखा दिया मेरे एंड्रॉयड स्टूडियो ने। वैसे कभी कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है, लेकिन आज थोड़ा तेज़ इसने काम दिखा दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक बार और रिविजिट करना चाहूँगा कुछ फाइल्स को। हमने यहाँ पर एक एक्टिविटी बनाई है अभी तक जिसका नाम मेन एक्टिविटी है और वो हमारा एंट्री पॉइंट होने वाला है ऐप का। एक्टिविटी मेन डॉट एक्स एम एल क्या होती है, ये हमारी डिज़ाइन होती है, हमारी ऐप का डिज़ाइन जो होता है, हमारी एक्टिविटी का या फिर स्क्रीन का जो डिज़ाइन होता है उसमें क्या होने वाला है, बटन होने वाला है, इमेज होने वाला है, टेक्स्ट होने वाला है, स्क्रॉल व्यू होने वाला है, कौन सा व्यू होने वाला है, कैसा होने वाला है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सएमएल में हम लोग बताते हैं। लेकिन वो एक्सएमएल के अंदर सिर्फ हम बटन और उसी के साथ साथ इमेज व्यूज़ या फिर लीनियर लेआउट्स, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी भी तरह का लीनियर लेआउट हो सकता है, वो सब चीज़ें हम डालते हैं यहाँ पर, उसकी कोई ब्रेन नहीं होती है। ब्रेन का मतलब है वहाँ पर हम कोई लॉजिक ज़्यादा नहीं लगा सकते, तो लॉजिक को हम अलग करके जावा फाइल के अंदर लिखते हैं। तो जो जावा फाइल होती है उसके अंदर हम बताते हैं कि क्या हमें करना है इस ढांचे के साथ, यानी कि क्या चीज़ कब होगी, ये आपकी जो जावा फाइल है वो डिसाइड करती है। तो जावा फाइल ब्रेन होती है और ये स्केलेटन होता है, ये शरीर होता है और ये आत्मा होती है। जो एक्सएमएल फाइल है वो शरीर है, यानी कि आपका शरीर, आप कैसे दिखते हैं, आप क्या हैं, और जो जावा है वो आपकी बुद्धि है, आपकी, आपका जो मन है, आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है वो है।
चलो बढ़िया, तो यहाँ तक तो अभी समझ में आ चुका है हम लोग को। अब मैनिफेस्ट फाइल में अगर आप लोग ऊपर जाएँ तो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल होती है। अब ये क्या होती है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट क्या होती है? ये मैनिफेस्ट फाइल होती है जो कि फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ऐप के क्या हैं और आपकी ऐप में क्या क्या कंपोनेंट हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर आप लोग डिफाइन कर सकते हैं अपनी मैनिफेस्ट के अंदर। हम देखेंगे मैनिफेस्ट फाइल को एडिट करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इनफैक्ट इसी वीडियो में मैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल को एडिट करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। उसी के साथ जावा में हमारे जावा का सोर्स कोड होता है और आरईएस जो होता है उसमें हमारा ड्रॉएबल के अंदर हम इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं। और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि अगर मैं वैल्यूज़ में जाऊँ तो कलर, स्ट्रिंग, स्टाइल्स, इनको चेंज करके हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। और इसमें भी हम लोग बहुत जल्दी वापस आकर इसको भी एडिट करेंगे, बट थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में समझ होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो ग्रेडल स्क्रिप्ट होती हैं, आपकी जो ऐप है, जब आपकी ऐप बिल्ड होगी तो उसमें आप कन्फिगर कर सकते हैं अपने बिल्ड को इन फाइल्स को एडिट करके, लेकिन इस पॉइंट पर हम ग्रेडल स्क्रिप्ट के साथ बिल्कुल काम नहीं करेंगे, तो इसको आप अभी के लिए स्किप कर दें। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो ग्रेडल स्क्रिप्ट हैं आपकी, वो आपकी किस तरह आपकी ऐप बिल्ड हो रही है इस चीज़ में आप लोगों को सहायक होती हैं। चलो बढ़िया, यहाँ तक हम लोगों ने एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया है एक बार और। और अगर आप लोग को लगा कि मैंने चीज़ें रिपीट करी हैं तो आप बिल्कुल ऐसा मत समझना, हर बार आप ये बातें सुनेंगे तो कुछ नया सीखेंगे। अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि हमें यहाँ पर एक स्क्रीन बनानी है, और वो स्क्रीन हम क्या करेंगे, काफ़ी अच्छे से बनाएंगे। सो बेसिकली काम करते हैं हम लोग एक ऐसी ऐप बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हम रेस्टोरेंट में ऑर्डर देंगे। तो मान लो यहाँ पर रेस्टोरेंट का नाम है लेट अस से हैरी रेस्टोरेंट समथिंग। मैं इसमें एक काम करता हूँ, वेलकम टू हैरी रेस्टोरेंट, ठीक है। और यहाँ पर ये करने के बाद मैं यहाँ पर साइज़ लिखूँगा सर्च बार में जाकर। जैसे मैं यहाँ पर साइज़ लिखूँगा आप लोग देखो यहाँ पर टेक्स्ट साइज़ जो है वो मैं ले लूँगा 30 SP, थोड़ा बड़ा ले लूँगा, और इसकी विड्थ को भी थोड़ा बढ़ा दूँगा। मैं यहाँ पर परफेक्ट डिज़ाइनिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो में आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग को समझ में आए कि क्या किस तरह से चीज़ें जो है काम करती हैं, मल्टी स्क्रीन ऐप किस तरह बनाते हैं। बट अगेन डिज़ाइनिंग में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो लेआउट विड्थ है उसको मैं कर दूँगा रैप कंटेंट, और उसी के साथ साथ जो लेआउट हाइट है, लेआउट हाइट को भी मैं रैप कंटेंट कर दूंगा। रैप कंटेंट का मतलब क्या होता है कि जितना कंटेंट है उसके चारों तरफ बाउंड्री बन जाए, और मैं चाहता हूँ कि ये टॉप पे रहे, एकदम टॉप पे आ जाइए। और इसमें मैं मार्जिन भी देना चाहता हूँ तो मैं मार्जिन दे दूंगा, इसमें मार्जिन मैं एक काम करता हूँ 23 SP दे देता हूँ, आई थिंक दैट शुड बी गुड। और उसी के साथ साथ मैं एक काम करूँगा, इसको थोड़ा छोटा करूँगा पहले। अब आप कहेंगे छोटा क्यों कर रहा हूँ, कंस्ट्रेंट्स लगाने के लिए। मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट्स देखे ऑलरेडी लगे हुए हैं, अब मैं यहाँ पर जो इसकी हाइट और विड्थ है इसको वापस से रैप कंटेंट कर दूँगा। इनफैक्ट विड्थ को मैच कंस्ट्रेंट कर दूँगा और विड्थ को मैं कर दूंगा रैप कंटेंट, कि जितना कंटेंट है उतना बस आ जाए और बाकी तो जो है चल ही रहा है। अगर आप लोग इसको और छोटा करना चाहें तो काइंडली फील फ्री टू आप कर सकते हैं इसको। बट अगेन मैं अभी यहाँ पर कुछ और करूँगा, यहाँ पर और चीज़ें ऐड करूँगा, तो मैं एक एडिट टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि प्लेन टेक्स्ट कुछ इस तरह से ड्रैग करूँगा, और यहाँ पर मैं सिंपली कोई कोई आइटम का नाम दे दूँगा कि आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं इसको कुछ इस तरह से ऐसे लगा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल में इसको मैं कंस्ट्रेन कर देता हूँ, और इसको यहाँ पर ऊपर कंस्ट्रेन कर देता हूँ इसके साथ। और मैं इसमें पैडिंग भी दे सकता हूँ, आप लोग यहाँ पर आकर डिफ़ॉल्ट पैडिंग भी दे सकते हैं, इसे 0 DPI भी है। तो अगर मैं इसको 8 कर दूँ तो सबकी जो डिफ़ॉल्ट पैडिंग है, सॉरी मार्जिन है, वो 8 हो जाएगी। तो ये डिफ़ॉल्ट मार्जिन होती है, तो अगर आप अभी यहाँ पर मार्जिन लिखेंगे तो इसमें कोई मार्जिन नहीं है, लेकिन अगर आप लोग नया आइटम ड्रैग करेंगे तो उसमें 8 DPI की मार्जिन आपको मिल जाएगी। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक और प्लेन टेक्स्ट लिखूँगा, और मैं सिंपली इसको ड्रैग करने के बाद हॉरिजॉन्टल में कंस्ट्रेंट करूँगा, और इसमें 8 DPI की देखो ऑलरेडी मार्जिन अभी है, देखो 8 DPI है। और मैं इसको वापस से ऊपर इस तरह से कंस्ट्रेंट कर दूँगा, और उसी के साथ साथ मैं एक और ऐड करूँगा, और 3 ही आइटम मान लो हम ऑर्डर कर सकते हैं, ये एक स्पेशल तरह का रेस्टोरेंट है। अब आप लोग कहेंगे कैसा कैसी ऐप बना रहे हो हैरी भाई, ऐसी ऐसी भी क्या ऐप है कि आप सिर्फ एक आइटम ऑर्डर कर सकते हो? अभी के लिए इसी तरह की ऐप से काम चला लो, और बाद में हम बनाएंगे ऐप। तो यहाँ पर मैंने इसको कंस्ट्रेंट किया ऊपर,
इसको मैं फिर से कंस्ट्रेंट करूँगा इसके ऊपर, और ये तीन जो है मैंने सटा दिए हैं। और यहाँ पर जो नेम 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 लिखा हुआ है इसमें मैं लिखूँगा आइटम 1, और इनफैक्ट मैं इसमें प्लेस होल्डर डालना चाहता हूँ। तो मैं आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 मैं यहाँ पर हिंट में लिखूँगा। तो मैं नेम नेम को ब्लैंक छोड़ दूँगा, मैं हिंट में लिखूँगा आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। सिमिलरली इसमें भी मैं हिंट में लिख दूंगा यहाँ पर आइटम 2, और जो यहाँ पर टेक्स्ट है उसको ब्लैंक छोड़ दूंगा। यहाँ पर आइटम 1 इसको मिटा देता हूँ, और यहाँ पर आइटम 1 हिंट में लिखूंगा, और यहाँ पर आइटम 3 लिखना था मुझे हिंट में, यहाँ पर मैंने आइटम 3 लिख दिया है। तो आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 तीन आइटम आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। हिंट में मुझे आइटम 1 लिखना है और टेक्स्ट को ब्लैंक छोड़ना है। बढ़िया। सो आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, और उसके बाद एक बटन लगाएंगे और प्लेस ऑर्डर उसमें मैं लिखूंगा। तो बटन को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और इस बटन में मैं प्लेस ऑर्डर लिखूंगा, और इसमें हम क्या करेंगे, इसको कंस्ट्रेन कर देंगे हॉरिजॉन्टल में सबसे पहले, फिर उसके बाद वर्टिकल में भी करेंगे, इसको कुछ इस तरह से चिपका देंगे। ठीक है, बढ़िया। अब आप लोग इसको और इंटरैक्टिव बना सकते हो, और अच्छा बना सकते हो, इसमें इमेजेस ऐड कर सकते हो, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो एंडलेस हैं। एक बेसिक सा मैंने यूआई बनाया, और बिल्कुल ये यूआई अच्छा नहीं है डिज़ाइन टर्म्स में, डिज़ाइनिंग की बात भी आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। तो टेक्स्ट इसके अंदर का क्या मैं रखूँगा, मैं रखूँगा प्लेस ऑर्डर, कि ऑर्डर को प्लेस कर दें, और इसकी जो मार्जिन है उसको आप थोड़ा बढ़ा सकते हो अगर चाहो तो। अगर मैं यहाँ पर मार्जिन लिखूँ तो 8 dp, 8 dp, 8 dp ना लिख के अगर मैं यहाँ पर इसको 16 dp की दे दूँ मार्जिन, तो थोड़ी सी ज़्यादा मार्जिन हो जाएगी, बट अगेन दैट्स फाइन। मैं यहाँ पर डिज़ाइन को बिल्कुल भी कंसिडर ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। आप इसको रन करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर हैरी बाई फोन जो मैंने बनाया था अपना एम्यूलेटर, उसमें रन करूँगा इसको, और सिर्फ देखूँगा कि डिज़ाइनिंग टर्म्स में हमारी ऐप किस तरह से आई है। और एक बार वो हो जाएगा तो हम लोग एक नई एक्टिविटी बनाएंगे, और ये जो आइटम्स हैं इनको उस एक्टिविटी में भेजेंगे। एक रेस्टोरेंट अगर आप बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप बनाना चाहते हैं, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। यूज़र ने प्लेस किया ऑर्डर एक ऐप की एक्टिविटी में, आपको उसको दूसरी एक्टिविटी में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और भी आप लोगों को कई चीज़ें, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कई अलग जगह पे आप इसको देख सकते हैं, कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा को भेजना है। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा ऑपरेशन है जो आपको आना चाहिए। हम देखेंगे कि किस तरह हम लोग यहाँ पर इस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा को भेजेंगे। और ये जो ऐप है हमारी अभी के लिए बिल्कुल मस्त दिख रही है। आइटम 1 मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ आइटम 1 में, उसके बाद आइटम 2 यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, और आइटम 3 में भी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। फिर प्लेस ऑर्डर पर मैं क्लिक करूँगा तो डेफिनेटली जो हमारी ऐप है वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो प्लेस ऑर्डर पर मैं क्लिक करूँगा, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करे, वैसे ही मेरा ऑन क्लिक में एक फंक्शन रन हो, जिसका नाम मैं प्लेस ऑर्डर ही रखना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं उसको अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा में लिखूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं उस फंक्शन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पब्लिक वॉइड, और उसके बाद मैं लिखूँगा प्लेस ऑर्डर, और ये लेगा एक व्यू व्यू व्यू। और उसके बाद मेरा कंप्यूटर पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है थोड़ा थोड़ा, बट आपका नहीं करेगा क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मे बी उसकी वजह से। अब यहाँ पर देखो आपको बोल रहा है कि व्यू कुछ नहीं है, तो आप इस पर क्लिक करके ऑल्ट एंटर दबाना और आपका व्यू यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगा। तो एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत ही ईजी है, आसान है यूज़ करने के लिए, बिल्कुल भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं वी विल हैंडल दी क्लिक ऑन दी बटन हेयर। तो यहाँ पर मैं जो भी कोड लिखूंगा वो तब रन होगा जब मैं अपने प्लेस ऑर्डर वाले बटन को दबाऊंगा। और मैं करना क्या चाहता हूँ यहाँ पर, मैं चाहता हूँ एक नई एक्टिविटी हमारी ओपन हो जाए जैसे ही कोई इस पे क्लिक करे। अब मैं यहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, और उसका नाम है इंटेंट। इंटेंट, अब आप लोग कहोगे ये क्या बोल दिया आपने, ये क्या मतलब, इतना इतना मुश्किल टर्म। तो मेरी बात मानो, ये बिल्कुल मुश्किल टर्म नहीं है, और एंड्रॉयड में इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना के समझाया जाता है, लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ ये कुछ नहीं है। ये एक ऑब्जेक्ट होता है जो रन टाइम में
अलग अलग कंपोनेंट्स को बाइंड करने में मदद करता है। एक एंड्रॉयड ऐप के जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच का जो कम्युनिकेशन है उसको करने में मदद करता है। इंटेंट का अंग्रेजी में मतलब होता है इरादा, यानी कि इंटेंशन, कि आपका क्या इंटेंशन है। कहते हैं ना, इसके इरादे नेक नहीं लग रहे हैं मुझे, तो ये इरादा है। तो ये ऐप ने कर लिया है इरादा। क्या इरादा किया है इस ऐप ने? इस ऐप ने इरादा किया है, कुछ भी इरादा कर सकता है ये। अभी हम बताएंगे कि क्या इरादा करना है। मैं यहाँ पर इरादा करना चाहता हूँ एक दूसरी एक्टिविटी में जाने का। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह इंटेंट जो है वो यूज़ होगा सिर्फ इसी काम के लिए। इंटेंट आपको अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। और ये जो हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जा रहे हैं, ये जो दो एक्टिविटीज़ हैं, ये दोनों एंड्रॉयड ऐप के कंपोनेंट्स ही तो हैं। तो हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि हम जा रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, यानी कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में हम जा रहे हैं। तो इसलिए हम इंटेंट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोग को इंटेंट समझ में नहीं आता है, अगर आप लोग को लगता है इंटेंट शब्द बहुत भयानक है, डरावना है, तो मैं बस ये कहूँगा अभी के लिए आप कुछ ऐसा समझ लो कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए हमको इंटेंट बनाना पड़ता है और हम यहाँ पर इंटेंट बिल्ड करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बिल्ड एन इंटेंट टू ओपन अनदर एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाने के लिए हम इंटेंट बिल्ड करेंगे। चलो जी, बढ़िया, यहाँ तक तो समझ में आता है। और इंटेंट बिल्ड करने का कोड जो है वो सिंपल है। मैं यहाँ पर इंटेंट लिखूँगा और इंटेंट लिखने के बाद मैं लिखूँगा इंटेंट, यानी कि मैंने इंटेंट टाइप का एक इंटेंट वेरिएबल बना दिया। और मैं यहाँ पर लिखूँगा न्यू इंटेंट, ठीक है, न्यू इंटेंट। और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इंटेंट का जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो मुझे देना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये वाली एक्टिविटी से मैं जिस एक्टिविटी में जाना चाहता हूँ, तो मैं मान लो जाना चाहता हूँ ऑर्डर एक्टिविटी में, तो मैं ऑर्डर एक्टिविटी अभी बनाने वाला हूँ और डॉट क्लास लिख दूंगा मैं, क्योंकि मैं जावा में हूँ। अब यहाँ पर ये बोल रहा है ये ऑर्डर एक्टिविटी क्या है, तो ऑर्डर एक्टिविटी अभी मैं बनाऊंगा, मैंने बनाई नहीं है अभी, तो आप वेट करो इसका। और ये एरर जो है अभी रहेगा हमारी ऐप में, क्योंकि हमने अभी वो दूसरी एक्टिविटी बनाई नहीं है जिसमें हम जाने वाले हैं। तो ये जो एरर है वो अभी के लिए रहेगा और उसको रखो अभी आप। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं कहूँगा एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूँगा फाइंड व्यू बाय आई डी आर डॉट आई डी डॉट, और मैं यहाँ पर आई डी दे दूँगा अपने, ये वाला जो मेरा आइटम वन है, आइटम टू है और आइटम थ्री है। इसमें आई डी क्या है? एडिट टेक्स्ट है। इसमें आईडी क्या है? एडिट टेक्स्ट टू है और इसमें है एडिट टेक्स्ट थ्री। तो एडिट टेक्स्ट टू, एडिट टेक्स्ट थ्री। तो एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं पहले, और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर वन टू थ्री लिख देंगे, वन टू थ्री। और थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहने के लिए मैं क्या करूँगा, वन टू थ्री। और यहाँ पर देखो ये एडिट टेक्स्ट रेड में आ गया है, कह रहा है कैन नॉट रिजॉल्व, तो ऑल्ट एंटर करके इसको ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लिया मैंने एंड्रॉयड डॉट विजिट डॉट एडिट टेक्स्ट को। अब यहाँ पर सिर्फ एडिट टेक्स्ट है इसकी आईडी, तो मैं एडिट टेक्स्ट वन कर दूंगा इसको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लाने के लिए। ज़रूरी नहीं है आप भी करो ऐसा, तो मैं यहाँ पर येस कर देता हूँ इसको, सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा आपको। बढ़िया, एडिट टेक्स्ट वन, एडिट टेक्स्ट टू, एडिट टेक्स्ट थ्री, तीन तरह के एडिट टेक्स्ट हमने बना लिए हैं। अब हम करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर जो मैसेज है हमारा, तो मैं मैसेज लिखूँगा। और ये क्या, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये मैसेज मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ। और मैं कर क्या रहा हूँ, तीनों एडिट टेक्स्ट को मैं जोड़ दूंगा। तो मैं लिखूँगा एडिट टेक्स्ट वन डॉट गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है? गेट टेक्स्ट फंक्शन आपको इस टेक्स्ट का जो टेक्स्ट है, इस एडिट टेक्स्ट का जो टेक्स्ट है वो दे देता है। और उसके बाद आपको टू स्ट्रिंग लिखना पड़ता है ताकि आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंकैटिनेट कर दूंगा इसको, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा एक स्ट्रिंग, और इसमें मैं डाल देता हूँ कॉमा, उसके बाद मैं प्लस करता हूँ और मैं वापस से डाल दूँगा क्या, मैं ये डाल दूँगा। तो मैं इसको एंटर मार देता हूँ यहाँ पर, और वापस से मैं कुछ इस तरह लिखूँगा। तो मैंने एडिट टेक्स्ट वन प्लस टू प्लस थ्री कर लिया, और मैं यहाँ पर प्लस करूँगा और मैं लिखूँगा एंड। अब आपको कहे ये सब मैंने क्यों किया, मैं बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ ये मैंने क्यों किया। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैसेज नाम की एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ जिनमें मैं, मान लो ये मेरा है बिरयानी, ये मेरा है चिकन,
और मान लो ये मेरा है पराठा, तो बिरयानी कॉमा चिकन एंड पराठा, बिरयानी चिकन एंड पराठा का ऑर्डर है, ठीक है, तो कॉमा लगा के मैंने यहाँ पर एक एंड लगा दिया। तो अब आप अपनी ऐप में कुछ भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आप यही करोगे, इनफैक्ट ये आप बिल्कुल भी नहीं करोगे अगर आप एक अच्छी ऐप बना रहे हो, एक प्रोडक्शन लेवल ऐप बना रहे हो। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में टेक्स्ट को भेजने का। तो हम यहाँ करेंगे क्या, हम यहाँ पर लिखेंगे इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। अब ये पुट एक्स्ट्रा क्या होता है, पुट एक्स्ट्रा आपको क्या करता है, आप यहाँ पर पुट एक्स्ट्रा लिखें, पुट एक्स्ट्रा लिखने के बाद ये टी पता नहीं कहाँ से आ गया, पुट एक्स्ट्रा लिखने के बाद आप की वैल्यू पेयर्स को बेसिकली भेज सकते हो। तो मेरी की क्या होगी, मैं अपनी की कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर करूँगा क्या, ऊपर आऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक और लिखूँगा फाइनल स्ट्रिंग। अब पब्लिक स्टैटिक फाइनल क्यों लिखा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये स्ट्रिंग जो है ये चेंज हो, और मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग मेरी, मान लो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ MSG, मैं MSG लिख देता हूँ, और पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग MSG नाम की मैं बना रहा हूँ, और इसका नाम मैं रखने वाला हूँ यहाँ पर कॉम डॉट कोड विद हैरी, जो भी डोमेन आपने दिया था वो डॉट, और उसके बाद यहाँ पर मेरी इस ऐप का नाम क्या था, मैं इस ऐप का नाम भूल रहा हूँ बेसिकली, आई गेस मैंने इस ऐप का नाम रखा था मल्टी स्क्रीन, हाँ मल्टी स्क्रीन मैंने इस ऐप का नाम रखा था, और मल्टी स्क्रीन, और उसके बाद मैं यहाँ पर डॉट लगा कर लिख दूंगा क्या, मैं लिख दूंगा MSG, ठीक है MSG। अब आपको कहो इतना लंबा मैंने की क्यों दिया, मैं एक छोटी सी सिंपल सी की भी तो दे सकता था। तो हाँ मैं बिल्कुल सिंपल सी की दे सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपल सी की इसलिए नहीं दी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप एक ऐप से दूसरी ऐप में कम्युनिकेट करोगे, तो इसलिए एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है जो आप अपनी कीज़ दोगे, यानी कि की वैल्यू पेयर भेज रहे हो। आप कुछ ऐसे भी भेज सकते थे ऑर्डर, मैं इसको सिर्फ ऑर्डर भी लिख सकता था, मैं इसको ऑर्डर नाम दे के ये स्ट्रिंग भेज देता और उसके बाद वहाँ पर ऑर्डर नाम से स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉम डॉट कोड विद हरी डॉट मल्टी स्क्रीन डॉट MSG, यानी कि पूरी जो ऐप और पैकेज के साथ जो नाम है, इनफैक्ट मल्टी स्क्रीन का एस यहाँ पर स्मॉल है अगर आप लोग यहाँ पर पैकेज देखें तो, वो पूरा पैकेज के नाम के बाद मैं अपना जो मेरी की है वो दूंगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट MSG भी लिख सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आगे कॉन्फ्लिक्ट्स हों, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, इसके तौर पे भी आप इसको समझ लो। और जो MSG है वो मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है जिसकी वैल्यू ये है। तो मैं कहूँगा कि इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, यानी कि मैं भेजना चाहता हूँ कुछ टेक्स्ट, मैं भेजना चाहता हूँ कुछ टेक्स्ट जिसका नाम है MSG, और उसके नाम से मैं भेजना चाहता हूँ क्या, यानी कि वैल्यू क्या होगी, मैसेज। मैं कहूँगा कि इस नाम से, मैं इसका नाम ऑर्डर भी दे सकता था बाय द वे, लेकिन मैंने ऑर्डर नहीं दिया, मैं ऑर्डर, इनफैक्ट मैं यहाँ पर ऑर्डर ज़रूर कर देता हूँ इसको थोड़ा रीडेबल बनाने के लिए, मैंने यहाँ पर ऑर्डर कर दिया। तो मैं यहाँ पर कॉम डॉट कोड विद हैरी डॉट मल्टी स्क्रीन डॉट ऑर्डर को उसकी जगह ये भेज रहा हूँ, यानी कि ये मेरी की है, ये मेरी वैल्यू है, तो इस की ये वैल्यू भेज रहा हूँ। तो मैं मल्टीपल वैल्यूज़ भी भेज सकता था, लेकिन मैंने अभी सिर्फ इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा करके इस तरह से ये वैल्यू भेज दी। और इसके बाद मैं यहाँ पर स्टार्ट एक्टिविटी फंक्शन को रन करूँगा, स्टार्ट एक्टिविटी, और स्टार्ट एक्टिविटी लिखने के बाद इंटेंट, तो इससे क्या होगा, मेरी जो ऑर्डर एक्टिविटी है वो चालू हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर आप लोग को लाल लाल दिख रहा है, और ये लाल लाल इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरी जो ऑर्डर एक्टिविटी है वो भी मैंने बनाई नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर एंड्रॉयड इस यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और एंड्रॉयड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो ऐप है इसमें राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, और न्यू में जाने के बाद हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी बनानी है। तो एक्टिविटी यहाँ पर कहाँ पर है, तो मैं न्यू एक्टिविटी में जाऊँगा, और फिर उसके बाद मैं एम्प्टी एक्टिविटी बनाऊँगा। तो मेरी एम्प्टी एक्टिविटी कहाँ पर है, ये रही मेरी एम्प्टी एक्टिविटी, और मैं इसका नाम दे दूँगा ऑर्डर एक्टिविटी, और मैंने यहाँ पर ऑर्डर एक्टिविटी दे दिया है। और बाकी सब चीज़ों को आपको एकदम सिंपल रखना है, और कुछ भी आप लोग को ऐसा नहीं करना है इसमें चेंज, बस आपको फिनिश कर देना है, दैट्स इट। आपकी जो नई एक्टिविटी है वो बन जाएगी, और ये देखो मेरी ऑर्डर एक्टिविटी बन चुकी है। और थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रिप्ट वगैरह रन होंगी, आप उसको होने देना, टाइम देना थोड़ा, और मैं इसको थोड़ा टाइम देता हूँ और वापस आता हूँ। ऑलराइट, तो मेरा जो सिंक वगैरह है वो सब कंप्लीट हो गया, इसको मिनिमाइज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं सिंपली जूम करूँगा, और ये जो मेरी ऑर्डर एक्टिविटी है मैं यहाँ पर करूँगा क्या, जो मुझे मिलेगी स्ट्रिंग मेन एक्टिविटी से उसको सिंपली डिस्प्ले करा दूँगा। और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी डिज़ाइनिंग ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट व्यू रखूँगा सिंपल सा,
टेक्स्ट व्यू को मैंने ड्रैग किया यहाँ पर, और टेक्स्ट व्यू ड्रैग करने के बाद इसकी आईडी मैंने दी है टेक्स्ट व्यू टू। और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसकी जो आईडी है ऑर्डर दे देता हूँ, ऑर्डर टेक्स्ट दे देता हूँ। और मुझे बेसिकली करना क्या है, ऑर्डर टेक्स्ट जो है उसको उसके अंदर डिस्प्ले कराना है। क्या मुझे उसके अंदर डिस्प्ले कराना है जो भी मैं स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करूँगा अपने मेन एक्टिविटी से। तो मैं इसको कंस्ट्रेन कर देता हूँ कुछ इस तरह से, सेंटर कर देता हूँ एकदम। और इसका शॉर्टकट भी होता है बेसिकली, अगर आप ऊपर यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली इन पेरेंट करेंगे तो आपका हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा, फिर वर्टिकली इन पेरेंट करेंगे तो हो जाएगा। बट एक एक करके कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं वो भी चल जाता है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही करना है। तो इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पर प्लीज़ वेट डाल देता हूँ, और उसके बाद मैं इसको चेंज कर दूंगा। प्लीज़ वेट है अभी, फिर उसके बाद मैं चेंज कर दूंगा इसको। तो इसकी विड्थ और हाइट जो है वो रैप कंटेंट है। ऑर्डर एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर आएंगे और बेसिकली करेंगे क्या कि एक इंटेंट बनाएंगे फिर से। अब इंटेंट हम क्या करेंगे, इस बार इंटेंट बनाएंगे एक स्ट्रिंग को लेने का, यानी कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग भेजी गई है उसको लेने का। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, जैसे ही मैं सेट कंटेंट व्यू करूँगा वैसे ही, तो बेसिकली ऑन क्रिएट रन होता है। अगर आप एक्टिविटी लाइफ साइकिल वाला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो आपको मालूम होगा कि ऑन क्रिएट के अंदर हम व्यू को सेट करते हैं, और यहाँ पर जैसे ही मेरा व्यू सेट हो जाता है उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं लिखूँ इंटेंट, इंटेंट इज इक्वल टू गेट इंटेंट। और यहाँ पर मैं इंटेंट को लेना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं ऑल्ट एंटर करके इंटेंट को इम्पोर्ट करूँगा, और यहाँ मैं सेमी कॉलन लगाना चाहता था। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं एक स्ट्रिंग बनाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा स्ट्रिंग डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। ये एक हमारा फंक्शन होता है, और गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा लिखने के बाद मैं कहूँगा मेन एक्टिविटी, और यहाँ पर डॉट लिख के मैं बेसिकली क्या करूँगा, ये वाली जो स्ट्रिंग है मेरी मेन एक्टिविटी डॉट एम एस जी ये लिख दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेन एक्टिविटी वाली क्लास में से, मेन एक्टिविटी डॉट जावा वाली फाइल में से ये क्या करेगा, ये वाली जो स्ट्रिंग है इसको ले लेगा। तो बेसिकली मैंने ये स्ट्रिंग यहाँ पर भेज दी है, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है। सेमी कोलन लगाऊंगा, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि जो मैसेज है मेरा वो क्या हो, वो मेरा जो इंटेंट मुझे मिला है उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं ये वाली की के करस्पॉन्डिंग, कौन सी वाली की के करस्पॉन्डिंग, ये वाली की के करस्पॉन्डिंग जो भेजी गई हैं वो मुझे दे दो। तो मैसेज के अंदर ये जो स्ट्रिंग भेजी गई है वो आ जाएगी। अब यहाँ पर सेट इट इनसाइड, सेट टेक्स्ट इनसाइड टेक्स्ट व्यू टू मैसेज, यानी कि जो मेरा मैसेज है मैं चाहूँगा कि वो टेक्स्ट व्यू के अंदर आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट व्यू, उप्स मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, टेक्स्ट व्यू। और मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू, और फाइंड व्यू बाय आईडी यूज़ करते हुए आर डॉट आईडी डॉट, मैंने क्या लिखा था, टेक्स्ट व्यू ही दिया था शायद इसका नाम, ऑर्डर टेक्स्ट दिया था शायद, ऑर्डर टेक्स्ट दिया था मैंने इसका नाम। और यहाँ पर ऑल्ट एंटर कर लेते हैं ताकि एंड्रॉयड डॉट विजिट डॉट टेक्स्ट व्यू इम्पोर्ट हो जाए, मैनुअली भी जाके आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो टेक्स्ट व्यू होता है इसके अंदर एक फंक्शन होता है सेट टेक्स्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस सेट टेक्स्ट। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर मैसेज डाल सकते हैं, और ये जो है आपका सेट हो जाएगा, जो आपका ये जो टेक्स्ट है जो भी आपने टेक्स्ट दिया है इसके अंदर वो यहाँ पर आ जाएगा। तो थ्योरी में तो हमने काफ़ी चीज़ें देख ली, एक काम करते हैं इसको ज़रा रन भी कर लेते हैं आपको। तो हमारा जो इम्यूलेटर है वो तो यहाँ पर रेडी है, मैंने रीरन का बटन ऊपर दबा दिया है और ग्रेडल बिल्ड रन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो बेसिकली मैं एक्सपेक्ट क्या करूँगा इस ऐप से, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ पर तीन वैल्यूज़ मैं दूंगा, आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री में। और जैसे ही मैं प्लेस ऑर्डर करूँगा, मैं चाहता हूँ कि आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री के ऑर्डर को प्लेस करने के बाद मुझे यहाँ पर ये एंड ये ऐसे करके मिल जाए अगली वाली स्क्रीन में, और उसके बाद कोई चेंज रहेगा तो वो मैं करूँगा। तो ग्रेडल बिल्ड इसका फिनिश होता है तो मैं वापस आता हूँ। तो ग्रेडल बिल्ड जो है वो फिनिश हो चुका है, मैं यहाँ पर लिखूँगा समोसा, और उसके बाद यहाँ पर कचौड़ी, और यहाँ पर पराठा, समोसा का एस कैपिटल कर देता हूँ, और मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। और जैसे ही मैंने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, आप लोग देखो यहाँ पर आ गया समोसा, कचौड़ी एंड पराठा। लेकिन मैं अब अपनी पुरानी वाली स्क्रीन में कैसे जाऊँ, मैं पुरानी वाली स्क्रीन में अपनी नहीं जा सकता,
अगर कोई ऐसा तरीका होता कि मैं बैक बटन करके बैक जाके इस ऑर्डर को चेंज कर पाता तो बहुत अच्छा होता। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं अगर इस स्ट्रिंग को चेंज करके ऐसे कर देता, ऑर्डर फॉर समोसा कचौड़ी एंड पराठा हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड, तब भी काफ़ी अच्छा रहता। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखते हैं, एक तो स्पेसेस दे देते हैं कॉमा के बाद, काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर लिखते हैं एक स्ट्रिंग, ऑर्डर फॉर समोसा कचौड़ी एंड पराठा, प्लस लिखते हैं और लिखते हैं हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। एक तो ये हो गया। उसी के साथ साथ क्या करेंगे, जो हमारी एक्टिविटी ऑर्डर है इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसके टेक्स्ट साइज़ को, काफ़ी छोटा ही है। तो अगर यहाँ पर मैं साइज़ लिख दूँ तो 14 SP है ना, 30 SP कर देते हैं, आई थिंक 30 SP शुड बी गुड इनफ। इसको मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ और अब इसको मैं रन करता हूँ वापस से। ग्रेडल बिल्ड रन होगा और जैसे ही फिनिश होगा मैं वापस आऊँगा। तो यहाँ पर जो ग्रेडल बिल्ड है वो फिनिश हो चुका है और मैं यहाँ पर समोसा, बिरयानी और उसी के साथ पकौड़े, समोसा बिरयानी और पकौड़ी और प्लेस ऑर्डर्स, ऑर्डर फॉर समोसा बिरयानी एंड पकौड़े हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड, तो यहाँ पर इस तरह से लिख के आ चुका है। तो हमने जो ऐप है वो अपनी सक्सेसफुली बना ली है। बस एक दिक्कत है मुझे इस ऐप से, वो ये है कि मैं बैक नहीं जा पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बैक बटन मुझे दिखे ताकि मैं पिछली वाली स्क्रीन में वापस से जा सकूँ। तो वो करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो मेरी मैनिफेस्ट फाइल है इसको मैं खोलूँगा, इसमें थोड़ा जूम इन करता हूँ और यहाँ पर मैंने एक्टिविटीज़ जो ऐड की हुई हैं, एक तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर एक्टिविटी ऐड की हुई है, उसी के साथ साथ यहाँ पर मेन एक्टिविटी ऐड की हुई है। तो ये जो मैंने ऑर्डर एक्टिविटी ऐड की हुई है मैं चाहता हूँ कि इसमें एक एट्रीब्यूट डालूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से लिखना है और आपको लिखना है एंड्रॉयड और पेरेंट एक्टिविटी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पेरेंट एक्टिविटी नेम लिखूँगा, पेरेंट एक्टिविटी नेम इज़ इक्वल टू मेन एक्टिविटी, दैट्स इट। और इतना करना है सिर्फ, यहाँ पर इसको बैक करके कुछ इस तरह से कर देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव, और वापस से रीरन करूँगा। और आप लोग देखना जैसे ये रन हो जाएगी तो मुझे एक यहाँ पर बैक बटन दिखेगा, यानी कि अपवर्ड नेविगेशन मिलेगा, मैं वापस से अपनी पुरानी वाली जो एक्टिविटी थी उसमें जा सकता हूँ। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपनी ऑर्डर एक्टिविटी डॉट जावा में, सॉरी XML में, यहाँ पर थोड़ी सी मार्जिन बढ़ा दूंगा, बट अगेन मैं अभी वो नहीं कर रहा हूँ, आप लोग उसको कर लेना ताकि यहाँ पर मार्जिन वगैरह आ जाए। अभी के लिए जो ऐप है वो बिल्ड हो चुकी है, वेट कर रहा हूँ उसके इंस्टॉल होने तक का। नीचे अगर आप स्टेटस बार में देखें तो ये बता रहा है आपको कि इंस्टॉल कर रहा है आपको, तो वेट करते हैं थोड़ा इसके इंस्टॉल करने तक का। इंस्टॉल सक्सेसफुल हुआ, एक्टिविटी को लॉन्च कर रहा है और एक्टिविटी लॉन्च हो चुकी है। तो इस बार कुछ अच्छा ऑर्डर करते हैं और इस बार हम पनीर बटर मसाला, दाल मखनी और उसी के साथ साथ कुछ मीठे में ऑर्डर कर देते हैं, रसगुल्ला, प्लेस ऑर्डर। और जैसे ही मैंने प्लेस ऑर्डर किया, देखो ऑर्डर फॉर पनीर बटर मसाला दाल मखनी एंड रसगुल्ला हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस लिखकर आ गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको दिख रहा है एक एरो, यानी कि एक अपवर्ड नेविगेशन, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं पुरानी एक्टिविटी में आ जाऊँगा। और यहाँ पर मान लो मैं 1, 2 और 3 लिखता हूँ और उसके बाद वापस से प्लेस ऑर्डर करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा ऑर्डर फॉर 1, 2, 3 हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड। तो मैं यहाँ पर बैक जा सकता हूँ अपनी एक्टिविटी से पुरानी एक्टिविटी में और उसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑर्डर कर सकता हूँ। अभी के लिए ब्लैंक स्ट्रिंग्स भी एक्सेप्ट कर रहा है, बट अगेन आप लोग यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग्स को, कई चीज़ें आप कर सकते हैं। और ये एक बेसिक सा एग्जांपल था मल्टी स्क्रीन ऐप का। तो कमेंट में सब लोग जल्दी से कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दो, क्योंकि हमने अपनी जो पहली मल्टी स्क्रीन ऐप है वो बना ली है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी, इंटेंट समझ में आया होगा, काफ़ी नए नए कॉन्सेप्ट देखे हमने इस वीडियो में। बिल्कुल भी आप घबराए नहीं होंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, मुझे मालूम है। और आगे और भी औसम ऐप्स बनाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो कर लें, इसको बुकमार्क कर लें और सेव कर लें अपने पास। और उसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।